हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में यहाँ बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका डिजिटल ट्रेनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके पास अगर कई जीमेल अकाउंट हैं या फिर यूट्यूब अकाउंट हैं तो उसको आप एक ही बार में कैसे एक्सेस कर पाएंगे आप एक एप्लीकेशन की मदद से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट पर हूँ मैं जिसका नाम है फायरवर्क क्लाउड। यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको मिल जाता है जो यहाँ पर देखिए नीचे आपको डाउनलोड लिंक दी हुई है, डाउनलोड फायरवर्क, तो यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेना है। सो गाइज, ये एप्लीकेशन आपके लिए इतना मददफुल होने वाला है कि आप सभी अकाउंट को आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, यूट्यूब के कई सारे अकाउंट एक ही साथ ओपन कर पाएंगे, जीमेल के अकाउंट या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है firework.cloud, ये वाला लिंक आपको फॉलो करके इस पेज पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों ये डाउनलोड फायरवर्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ। एक छोटा सा यहाँ पर फाइल डाउनलोड होगा कुछ केबी में, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है एक छोटी सी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों इसको हम रन कराएंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड हो रही है, इसको हम डाउनलोड करके इसको रन कराएंगे सिंपली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए रन करा देना है आपको सिंपली, और रन कराने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ टाइम लेगा ये डाउनलोड होने में, आपके और नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी आपकी स्पीड है, उसी हिसाब से ये डाउनलोड होगा। आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो इसको आप वेट कर लीजिएगा जो भी टाइम लगे। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, हमारी डाउनलोडिंग जल्दी हो जाए। तो इसको डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर देखिए नीचे आपके टास्क बार में ये जो है ऐड हो जाता है। तो इसको हम जब लॉन्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको लॉन्च करके दिखा देता हूँ। इसको डबल क्लिक करके लॉन्च करेंगे, यहाँ पर देखिए दो एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, इसमें वर्ड ऑनलाइन और मैसेंजर। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐड है, और दूसरा कोई भी लिंक यहाँ पर ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना आपको। यहाँ पर देखिए अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर देखिए मैंने सर्च किया www.gmail.com, इसको कॉपी कर लेना आपको लिंक को। जो भी लिंक आप इसमें ऐड करना चाहते हैं उसको कॉपी करेंगे और सिंपली इसको ओपन करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक कर देंगे। प्लस पे क्लिक करते ही आपका जो लिंक आपने सर्च किया होगा वो लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद यहाँ पर देखिए जीमेल जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी रीनेम करके आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर आप पर्सनल अकाउंट इसमें लॉग इन करना चाहते हैं तो इसमें पर्सनल लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ऐड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने पर्सनल लिख लिया दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके एक एक करके कई सारे जीमेल के अकाउंट आप रीनेम करके ऐड कर लीजिए, रीनेम करना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं इसको कॉपी करके एक और अकाउंट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी अकाउंट आप ऐड किए होंगे, देखिए फिर प्लस पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर वही लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको रीनेम कर लेना है जो भी आप नाम रखना चाहें। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक नाम की कोई भी एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे एक नाम का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे जीमेल अगर हमने एक बार ऐड कर लिया तो जीमेल फिर से नहीं ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे पर्सनल और जीमेल मैंने दो अकाउंट यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर यूट्यूब या फिर कोई और भी लिंक ऐड करना है, तो आप सिंपली फिर से वहाँ यहाँ ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे youtube.com और उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यानी कि सभी के लिंक यहाँ पर ऐड करना है आपको, और ऐड करने के बाद अकाउंट को यहाँ पर साइन इन कर लेना है। सभी अकाउंट को एक ही बार साइन इन कर लेंगे और एक ही साथ आप उसको ओपन करके अलग अलग टैब में इसको आप आसानी से यहाँ पर एक्सेस करके मैनेज कर पाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए यूट्यूब का एक मैंने लिंक यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब इसको मैं कॉपी करके जो है सिंपली ओपन करके यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से प्लस पे क्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना। देखिए ऐड हो गया। यहाँ पर चैनल का नाम आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें चैनल का जो अगर अकाउंट अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने चैनल का नाम दे दीजिए, माय चैनल। यहाँ पर देखिए मैंने माय चैनल लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं सिंपली। यहाँ पर और भी अकाउंट अगर लॉग इन करना चाहते हैं तो फिर से आप इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप रीनेम करके या फिर यूट्यूब के नाम से इसको सेव कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप का अगर अकाउंट इसमें आपको लॉगिन करना है तो आपको व्हाट्सएप इन वेब यानी कि व्हाट्सएप की जो लिंक होती है उसको कॉपी कर लेना होगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप को कैसे चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्च करना है आपको व्हाट्सएप इन वेब।
देखिए हमने यहाँ पर सर्च किया व्हाट्सएप इन वेब, तो यहाँ पर ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसको हम जो है क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का बारकोड आपको दिखता है, तो आपको अपने व्हाट्सएप से स्कैन करा के यहाँ पर अकाउंट को अपने ओपन करना होता है। यहाँ पर देखिए मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा जो भी लिंक है यहाँ पर, और कॉपी करके इसमें मैं पेस्ट कर लूँगा। ऐसे ही अगर आपके पास कई व्हाट्सएप अकाउंट हैं तो सभी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड करते ही ये व्हाट्सएप का जो मैंने सर्च किया हुआ है ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप अपना नाम भी दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी रहने दे सकते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों जो भी आपके पास अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी अकाउंट है सभी को आप ऐसे ही सर्च करके और यहाँ पर जहाँ तक .com है वहाँ तक कॉपी करेंगे और इसको आप सभी को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और ऐड कर लेने के बाद दोस्तों हम सिंपली इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट है क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैसेंजर अकाउंट को लॉगिन करना है तो मैसेंजर को क्लिक कर दीजिए और इसमें अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जीमेल का जो अकाउंट है आपका पर्सनल उसमें लॉगिन कर लीजिए और दूसरा अकाउंट इसमें लॉगिन कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप अपने सारे अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको अपने मैसेंजर के अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड है यहाँ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो है आप बहुत ही आसानी के साथ अपने सभी अकाउंट को एक ही जगह पे एक्सेस करके मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ये आपका फायरवर्क जो एप्लीकेशन है यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यानी कि साइनअप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप। सो फ्रेंड्स यहाँ पर चाहें तो आप अपने फेसबुक अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपने गूगल प्लस के अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करके यहाँ पर नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए मैं अपने जो है गूगल के अकाउंट के साथ यहाँ पर साइनअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा था वो अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कोई भी अकाउंट आप यहाँ पर ऐड करके और यहाँ से आसानी के साथ सभी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डेली लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।